नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो। मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि यूपी एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, करते रहिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को ओके कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आज के सत्र में क्लास टेंथ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं त्रिकोणमिति का एक फार्मूला लेकर आया हूं जिसका नाम है त्रिकोणमिति व्युत्क्रम अनुपात। अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि त्रिकोणमिति व्युत्क्रम अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं और कभी आप भूलेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। तो ध्यान से वाच करें, त्रिकोणमिति व्युत्क्रम अनुपात कैसे निकाल रहे हैं आइए देखते हैं। देखिए त्रिकोणमिति व्युत्क्रम अनुपात, इसका सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले देखिए वन अपान सबके लिख लीजिए, वन अपान। देखिए इसको व्युत्क्रम, साइन का देखो उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो हम यहां लिख लेंगे वन अपान कोसेक थीटा, बहुत आसान है। अब जब साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होगा, इसका हो जाएगा साइन थीटा। आइए कॉस थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहां हम लिख देंगे सेक थीटा, और सेक का उल्टा है तो होता है कॉस थीटा, तो यहां हम लिख देंगे वन अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए टैन थीटा, टैन थीटा किसका, कॉट का उल्टा होता है, तो वन अपॉन कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा किसका उल्टा, टैन का, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टैन थीटा। अब नेक्स्ट देखते हैं टैन थीटा, इसको याद रखिएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसका फार्मूला होता है। अब देखो ये कॉट थीटा, अब इसी का उल्टा, क्योंकि इसका ये उल्टा होता है, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये फार्मूला देखिए, थोड़ा याद रखिएगा, बड़ा कई बार पूछा जाता है, इस पर बहुत मजेदार सवाल हल किया जाता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा का मान वन होता है। अब मान लो कि आपसे सिर्फ पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आसानी है, ये वन लिखे, माइनस लिखे, और इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मान लो इसको हमको निकालना पड़े, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो वन माइनस लिखेंगे, अब इसको हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसके आधार पर के तीन फार्मूले बने, ये तीनों आप याद रखिएगा, इस तरह से ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त होता है। थैंक यू, जय हिंद, लाल सर का लाल सलाम आपके नाम।